कसम अल्लाह पाक की सरकारी टीम कोई बंदा नहीं आया। अपने बहन भाई इकट्ठे सब हम अपने मदद पे खुद निकाल रहे हैं। आवाम जो चंदा कर रहे हैं, रोटी चाय मकान ये जूस वगैरह पहुंच रहे हैं। हम खुद कमाते हैं, अपने हाथ से कमाते हैं। जी नजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चारसद्दा के इलाका जबक कुरुनू में, जहाँ पे सैलाब आया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि सैलाब ने कितने घरों को नुकसान पहुँचाया है और कितने लोग मुतासिर हुआ है। हम यहाँ के मुकामी लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी सुनेंगे कि सैलाब के दौरान इनके कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा और अब इनके क्या हालात है। हुकूमत की तरफ से अब तक इनके साथ कोई माली इमदाद हुई है या नहीं? मैं इस चारसदे का रहने वाला हूँ। 50-60 साल से हम इस चारसदे में रह रहे सरकार, और इस इलाके में हम रह रहे। हम पे जब रैली आया है तो रात के 12 बजे हमारे पास रैली पहुँच गया है। हमारे पास कोई इंतज़ामिया नहीं है, अभी तक कोई टीम नहीं आया है। ये सब बकवास है, सब परेब है कि इधर पहुँच गए उधर पहुँच गए। कसम अल्लाह पाक की सरकारी टीम कोई बंदा नहीं आया। हम अपना मदद खुद कर रहे हैं, अपने बहन भाई इकट्ठे सब हम अपने मदद पे खुद निकाल रहे हैं। रेस्क्यू वाला आया था, उसका कोई टाइम नहीं था। वो ऐसा टाइम पे पहुंच गया था कि हम खुद अमन में थे। जितने मकान गिरे हुए 400-500 मकान है, ये इसका सत्यानाश हुआ है। किसी पीटीआई वाले का वर्कर, किसी नेशनल पार्टी का वर्कर, किसी इमरान खान का वर्कर, नवाज शरीफ का वर्कर, कोई बंदा नहीं पहुँचा हुआ है। आवाम जो चंदा कर रहे हैं, रोटी चाय मकान ये जूस वगैरह पहुंच रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारा किधर है? डूब गए है या हम डूबे हुए हैं या हमारा हुकूमत डूबा हुआ है? जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पूरा पाकिस्तान बिगड़ने पे आता है, झंडे नारे पे आते हैं। आज नेशनल किधर है? पीपल किधर है? इमरान खान का पार्टी किधर है? अगर है तो ये नीचे मुकम्मल ठीक है, ऊपर वाले लोग ठीक होंगे, लेकिन नीचे वाला सारा चोर है। अगर चोर नहीं है तो किधर है? ये मकान देखो, ये इलाका देखो, ये दरिया देखो, ये गांव देखो, किधर है आखिर? अगर है तो किधर है? हमको तो मीडिया वाले भी दिखाओ, चलो हम झूठे सही, आप तो सच्चे हैं ना, हुकूमत में रह रहे, हमको दिखाओ। कोई एक चीज हुकूमत का दिखाओ, कोई एक झंडा हुकूमत का दिखाओ, नहीं है। जब नारे तकबीर का आवाज आते है तो पहले रहमान सबसे आगे आता है, जब शेर का मुकम्मत आते है तो यारा ये बबर शेर आया है, लाल टोपी का निशान आते हैं, हम उसके साथ थे। किधर है? किधर है? फिर ये हमारे लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, हम चंदे के लिए तो नहीं बैठे हुए हैं। हमको रब रोजी देता है, हम इस हुकूमत के किन, सिर्फ अगर ये हुकूमत हमारे पास आ जाए और हम पे सलाम भी डाल दे तो हमारे लिए बहुत है। हम खुद कमाते हैं, अपने हाथ से कमाते हैं, न हुकूमत का जरूरत है। लेकिन जब इलेक्शन के टाइम पे आए फिर अच्छा बात नहीं होगा। कोई इलेक्शन का बंदा भी इस इलाके जब चौथी बोल चल गजी बाबा रोड पे आया तो फिर बुरी बात होगा। जब कोरोना में ये 400 मकान है, कसम खुदा की तबाह और बर्बाद और जलील हुआ है। कोई एक बंदा भी बता दे कि हम हुकूमत का बंदे, हम इधर पहुंचे हुए, हमारे सामने बता दे तो हम जो भी बोलेगा हम तैयार है। हमारा जाती पूरा मकान गिरा हुआ है, कसम खुदा की कक भी घर में नहीं। अगर है तो आके देख लो ना, ये झूठा मूठा नहीं है। अगर रोड पे तुम लोग अवाम आते हैं रोटी देते हैं, ये सब बकवास है, देते हैं लेकिन अवाम देते हैं। हुकूमत डूब गया है, किधर गया हमारा हुकूमत? किधर गया है? डूब गया, दरिया के बीच पड़ा गया, किधर गया? इतना अवाम को देखो, वो अपना मदद खुद कर रहे हैं, एक दूसरे बंदे आ रहे हैं। हुकूमत आखिर किधर गया? दरिया में डूब गया, सदरिया में डूब गया, चौथी पुल में डूब गया, ख्याली में डूब गया, किधर गया हुकूमत आखिर किधर गया है? मामले दीवार के ऊपर चढ़ाया था, छत के ऊपर चढ़ाया था। मेरे खुद 8 बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं, 2 शादियां मैंने किया है, किसी ने भी नहीं दिया है। हम मकान के ऊपर चढ़े हुए हैं, सामान तबोर बर्बाद हुए, बंदे जलील हुए, डंगर चले गए, कुकड़ जो भी शुतुरमुर्ग कुत्ते जो भी थे सब रुल गए, कोई शेज भी नहीं है। अगर डंगर आके देख लो तो बंदे दे सारे डंगर जो है ना वो दरिया में चले गए, किसी घर में भी डंगर नहीं है, कोई मकान का सहारा नहीं है। जितने भी निक्के निक्के बच्चे थे, 8 साल का, 2 साल का, 3 महीने के बच्चे,
कसम हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने मस्जिद के छत के ऊपर, कमरों के ऊपर हमने चढ़ाए थे, लेकिन खुद हुकूमत नहीं है। आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, कोई बंदा भी इस इलाके में बता दे कि ये हुकूमत का टीम इधर पहुंचे हुए है, तो जो भी बोल दे हम तैयार है। हम इस दाढ़ी मुन्ने के लिए भी तैयार है, अगर हुकूमत के एक बंदा भी बोल दे कि इस इलाके में हम पहुंचे हुए हैं।